Well, my dear students, the course is Labour Policy Pakistan, and the topic is section 16, 17, 18, 19, 20, and 21 of the Bonded Labor System Abolition Act 1992. Section 17 deals with cognizance of offenses. your offenses ka, ka notice lega or kyaye. बेलेबल हैं या नहीं हैं तो सेक्शन 17 सब सेक्शन वन कहता है एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वायलेशन ऑफ द लॉ गोइंग अगेंस्ट द लॉ और अगर कोई गोइंग अगेंस्ट द लॉ करता है तो कोई अथॉरिटी उसको नोटिस करेगी और उसको कहते हैं कॉगनीजेंस ऑफ ऑफेंस बेलेबल से मुराद है कि उसकी जमानत हो सकती है सेक्शन सेवनटीन सबसेक्शन टू क्या कहता है एन ऑफेंस अंडर एक्ट। ऑफेंस से मतलब यह है कि कॉन्ट्रावेंशन लॉ की हुई है एन ऑफेंस अंडर द एक्ट एक्सेप्ट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन ट्वेल्व शेल बी कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्योरिस्डिक्शन आपको भी कुछ काम करना चाहिए यह जो कंपाउंडेबल का लफ्ज है इसके लिए आप ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी खोलें और उसको कंसल्ट करें और वहां पर देखें कि कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं सेक्शन 18 के साथ डील करते हैं सेक्शन 18 की हेडिंग है ऑफेंसेस बाय कंपनीज अगर इस लॉ की वॉयलेशन कंपनीज करती हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी कहा यह जा रहा है कि अगर ऑफेंस किसी कंपनी ने कमिट किया है तो हर वो शख्स हर वो शख्स जो कि उस ऑफेंस के कमिट होने के वक्त पर इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट का कंपनी के बिजनेस को चलाने का और उसके साथ साथ जो कंपनी है दोनों शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शेल बी लाइबल टू बी प्रोसीडिड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को भी सजा मिलेगी और कंपनी के बिहाफ पर जो शख्स कंपनी के बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा था इन चार्ज था उसको भी सजा मिलेगी सबसेक्शन टू कहता है Where any offence under this act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, or other officer of the company, such director, manager, or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. तो इस सेक्शन में ये बात की जा रही है कि कोई अगर डायरेक्टर है डायरेक्टर लेवल के लोग हैं और उनको भी मालूम है कि ये काम हो रहा है तो वो भी इस ज़िम्मन में इस ऑफेंस में गिल्टी कंसिडर किए जाएंगे और उनको भी अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाएगी तो कंपनीज़ के सिलसिले में आप देखें कि यहाँ पर बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है कि वो शख्स जो उस वक्त मैनेजर था इंचार्ज था वो और कंपनी ज़िम्मेदार अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि आप डायरेक्टर मैनेजर और दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल कर लें यानी डायरेक्टर खास बंदा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्टर होता है ये इसको भी शामिल किया जा रहा है तो यहां पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो नजर आ रही है यहां पर कंपनी किसे हम कहते हैं ये भी देखने की जरूरत है तो यहां पर कंपनी मीन्स यानी बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि कंपनी सिर्फ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में नहीं बताई जा रही बल्कि ये कहा जा रहा है कि ऐसी बॉडी कॉरपोरेट और इसमें शामिल आप कर लें फर्म को यानी पार्टनरशिप फर्म को या कोई और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको भी आप कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करवा दें तो यहाँ पे पैक्यूलियर डेफिनेशन है खास डेफिनेशन है इस लॉ के लिए पर्पज़ के लिए तो यही फॉलो करनी है कोई डिक्शनरी खोलने की यहाँ पर जरूरत हरगिज हरगेज नहीं है तो डायरेक्टर से मुराद यहां पर क्या है इन रिलेशन टू अ फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म तो यहां पर डायरेक्टर का मानी जो है वो भी आपको समझना चाहिए क्योंकि ये खास मानी रखता है सेक्शन 19 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ गुड फेथ क्या होता है जब आपकी ऑनस्ट स्टेट ऑफ माइंड है तो आप इन गुड फेथ में हैं नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनी थिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडिड टू बी डन अंडर दिस एक्ट अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है उसने इस लॉ के तहत कोई एक्शन लिया है और गुड फेथ में लिया है तो उसके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं हो सकता प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती या कोई और दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस सेक्शन ट्वेंटी माई डर स्टूडेंट सेक्शन ट्वेंटी का जो है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स बार्ड ज्यूरिस्डिक्शन के मानी मैं कई दफा आपको बता चुका हूं एक्ट नो कोर्ट शैल है डील्स विद पावर टू मेक रूल्स ये बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात हो रही है प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट करती है और जो रूल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर बनाए जाते हैं द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट होप यू हैव अंडरस्टुंड टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन